हेलो दोस्तों एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों तुम्हारा भाई फिर से एक न्यू वीडियो के साथ वापस आ चुका है। और दोस्तों इस वीडियो में तुम्हारे भाई ने एक सस्ती सी सुपर लग्जरी कार खरीदी है। और दोस्तों उस सुपर लग्जरी कार का जो प्राइस है वो 50,000 रुपये है, 50,000 कॉइन है। तो दोस्तों उसको ख़रीदने में काफ़ी ज़्यादा झमेला हुआ था मुझे। अभी मेरे पास 47,000 कॉइन है और मुझे 3,000 कॉइन की जो है ज़रूरत है। और तब जाके मैं वह सुपर लग्जरी जो कार है, सस्ती सुपर लग्जरी कार, उसको तब हम परचेज कर पाएंगे। तो 3,000 कमाने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। तो दोस्तों अपनी ये जो खटारी पटारी गाड़ी है इसको लेके हम निकल पड़े हैं। अभी मुझे जाना है एक बंदे के पास। वह बंदा बोला था कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक काम दूंगा और उसके बदले मैं तुम्हें एक अच्छी खासी इनकम भी दूंगा, रुपये भी दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं यह गाड़ी लेके निकल पड़ा हूँ। और दोस्तों तभी यहाँ पर मेरा जो एक्सीडेंट हो जाता है और फिर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उतर जाता हूँ गाड़ी से नीचे। और अभी मैं इसको बताता हूँ, अभी इसके ही गाड़ी से लेके चलेंगे क्योंकि मेरे गाड़ी से काफ़ी स्लो वहाँ पे पहुँचता है। अभी इसके गाड़ी से मैं जल्दी वहाँ पे पहुँच जाऊँ। हाँ तो गाइस जल्दी से पहुँचते हैं उसके घर पर। तब तक के लिए आप इस गाड़ी का ड्रिफ्ट और स्पीड्स देखें। हाँ तो गाइस इस गाड़ी की स्पीड काफ़ी अच्छी थी। और दोस्तों इसकी ड्रिफ्ट देखो कितना अच्छा है। और दोस्तों फाइनली हम उसके घर पे पहुंचने ही वाले हैं, उस बंदे के घर पे पहुंचने ही वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं उसके घर पे और यहाँ पे हम पहुंच भी चुके हैं। और जल्दी से इसको यहाँ पे पार्क लगाते हैं और चलते हैं उस बंदे के पास। हाँ तो गाइस जल्दी से चलते हैं, इंटर करते हैं उसके घर में और उससे बात करते हैं, देखते हैं वह क्या कहता है। और एक मिनट, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार। हाँ तो जल्दी से चलते हैं, इंटर करते हैं और उससे बात करते हैं। हाँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं वह बंदा यहाँ पे खड़ा है और उस बंदे से मेरी बात हो चुकी है। और उसने मुझे कहा कि आपको मेरा काम क्या करना है। तो सुनो, उसने बोला कि मेरे पीछे आओ और मेरे कार में मेरे साथ चलो। तो मैंने बोला ठीक है, तुम लोकेशन मार्क कर दो, मैं वहाँ पे छोड़ दूँगा आपको। लेकिन दोस्तों इसका काम क्या था सुनो। तो दोस्तों इसका काम यह था, इसका एक बहुत बड़ा ट्रक था जो किराने के सामान से भरा हुआ था। उसको कुछ बंदों ने, डाकुओं ने, 4-5 डाकुओं में मिलके किडनैप कर लिया है। और अभी मुझे उसको छुड़ा कर लेके आना था। हाँ तो दोस्तों अभी हम चलेंगे उस जगह पे। और दोस्तों वहाँ पे मैं फ़ाइट नहीं करने वाला क्योंकि दोस्तों वह बंदे रहेंगे, 4-5 डाकू तो होंगे ही और सबके पास वेपन्स रहेंगे। तो दोस्तों उनसे मैं लड़ तो नहीं पाऊँगा। लेकिन दोस्तों हाँ, मैं चुरा के वह गाड़ी जल्दी से मैं भाग लूँगा वहाँ से, क्योंकि दोस्तों अगर मैं उनसे भिड़ा तो मेरी डेथ पक्की है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मिनट इसने ठोक दी साले ने। तो जल्दी से पहुँचते उस जगह पर और फिर वहाँ पर बातें करते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली हम उस जगह पे पहुंचने वाले हैं उसने जहाँ पे मार्क किया था। तो जल्दी से चलते हैं उस जगह पे। और दोस्तों यह बंदा बोल रहा है कि मैं जल्दी से आपको वहाँ पे पहुंचा कर फिर मैं चले जाऊँगा और आप रात होने का वेट करेंगे और रात होने तक मैं आपके साथ रहूँगा, दिन उसके बाद मैं चले जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ तो यहाँ पर रात हो चुकी है और दोस्तों वह ट्रक देख सकते हैं, यही ट्रक है, किराने से पूरी लदी भरी पड़ी है। और अभी इसको मुझे चुरा कर लेके जाना था। तो जल्दी से इसको हम चुरा के लेके जाने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इस ट्रक को खड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं इन्होंने कितना सारा ट्रक और गाड़ी जो किडनैप किया है। अभी मुझे यहाँ पे इस बंदे ने छोड़ दिया है और अपने खुद घर पर चला गया। और मैंने बोला कोई बात नहीं, तू जा और मैं तेरे घर पर पहुँचता हूँ ट्रक को लेकर। हाँ तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे डाकू थे। अभी मुझे इन सारे डाकुओं से बचकर कैसे ही भी छुप के उस ट्रक पे जाके इंटर करना होगा और देन उसके बाद जल्दी से मैं उस ट्रक को लेके भगा के लेके जाऊँगा। तो दोस्तों एक्चुअली अभी मुझे यह जान नहीं रहे हैं कि मैं चोर हूँ, इनको लग रहा है मैं इनके ही गेम का बंदा हूँ। तो अभी मैं अगर गाड़ी में इंटर करूँगा तो फिर इनको मालूम चल जाएगा। तो जल्दी से हम गेटिंग करते हैं और
निकलते, तो जल्दी से मैं निकलूँगा। यहाँ पे गोली फायर होना स्टार्ट हो चुका है और इन्होंने गोली मारना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे दो डाकुओं ने सालों ने पीछे भी कर लिया है खुद की गाड़ी से, और मुझे भागना होगा जल्दी से। और देख सकते हैं पीछे की साइड दो डाकू मेरा पीछा कर रहे हैं, और मुझे इस ट्रक को लेकर अभी भागना था। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता गाइस, क्योंकि मुझे अभी यह ट्रक को बचा कर कैसे भी लेके जाना था। अगर इस दोनों डाकुओं को अगर मैं कैसे भी करके मार देता हूँ, अबे यार कितना गंदा साइड मारा साले को, रुको मैं मारता हूँ, पहले इन दोनों को मैं मार देता हूँ गाइस, फिर ट्रक को लेके चलते हैं। हाँ तो गाइस मैं फिर से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे सामने की साइड एक कार आ जाती है और उसमें मैं ठुक जाता हूँ, और इन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, और एक बंदे ने सीधे कार का गेट खोल के मुझे नीचे की साइड उतार देता है। तो फिर से यहाँ पे हमारी फाइट छिड़ चुकी है और मुझे अभी दोनों को मारना पड़ेगा, देन उसके बाद अपने ट्रक को ईजिली लेके चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने एक को बंदे को गिरा ही दिया था, और पीछे से फिर से मुझे परेशान कर रहा था, तो इसको मारते जल्दी से। हाँ तो दोस्तों फाइनली ये मरने ही वाला है, तो जल्दी इसको एक को मारते जल्दी से, देन उसके बाद दूसरे को मारेंगे और फिर चलेंगे आराम से अपने ट्रक को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक को मैंने मार दिया है और ये भी मर चुका, तो अभी हम अपने ट्रक को लेके चलेंगे FPP मोड पे करके। तो जल्दी से इसमें गेटिंग करते यार, अभी मैं कार में कहाँ गेटिंग कर रहा हूँ, तो जल्दी से चलते ट्रक में गेटिंग करते और चलते उस बंदे के पास जिस बंदे का यह ट्रक है। अभी मुझे देख लो गाइस, यहाँ पे ट्रक में तो कुछ था नहीं, लेकिन उसने मुझे बताया था कि ढेर सारे अपलोड सामान, किराने का अपलोड इसमें सामान है, लेकिन अभी यह ट्रक खाली है। अभी लेके चलेंगे उस बंदे के पास इस ट्रक को, तो अभी मुझे चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो FPP मोड में एक मिनट मैं कर लेता हूँ, जिससे देखने में आगे का सामने का जो व्यू रहेगा अच्छा दिखेगा। तो हाँ गाइस हो चुका हमारा FPP मोड में, अब मुझे थोड़ा चलाने में ईजी होगा, क्योंकि गाइस और कार वगैरह रहती तो उसको चला लेते हम इजी, लेकिन यह काफ़ी बड़ा था और आगे का शो मुझे नहीं दिख रहा था, तो मुझे FPP मोड पे इसको चलाना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जल्दी से पहुंचते उस जगह पे। हाँ तो गाइस फाइनली उस जगह पे हमने आ चुके हैं, जिस जगह पे उस बंदे ने मुझे बोला था आने के लिए। तो जल्दी से इस गाड़ी को चलेंगे वहाँ पे पार्क करेंगे और उससे पैसे लेंगे, दिन उसके बाद चलेंगे घर पे और सुबह जाके जो सुपर लग्जरी कार है, सस्ती सुपर लग्जरी कार, उसको हम बाय करने वाले हैं, परचेज़ करने वाले हैं। तो जल्दी से उसको यहाँ पर मैं खड़ा कर देता हूँ और चलते हैं अभी अपने घर पर। हाँ तो गाइस फाइनली हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं, और दोस्तों वह सस्ती सुपर लग्जरी कार मेरी गैराज में खड़ी है, और दोस्तों चलते हैं उसकी स्पीड टेस्ट करते हैं। हाँ तो गाइस 50,000 कॉइन में ऐसे ही सुपर लग्जरी, सस्ती सुपर लग्जरी कार मिलेगी, और यह सुपर लग्जरी कार नहीं कह सकते, यह एक टैक्सी है, और अभी इसकी हम स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं इसकी स्पीड क्या है। हाँ तो गाइस कुछ ज़्यादा खास नहीं, लेकिन पुराने वाले कार से काफ़ी अच्छा था, उससे अच्छा स्पीड था, और यहाँ पे एक ख़तरनाक डेंट पड़ जाता है, और चलते पीछे की साइड और इसको गैराज में खड़ा करते हैं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और चैनल पे नए हो ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।